नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अबोंग किचन टेल्स। मैं हूं अर्पिता। आज मैं शेयर करूंगी सिंपल चॉकलेट केक की रेसिपी। ये केक मेरे बेटे के क्लास टीचर मैम के लिए बनाया था टीचर्स डे में, तो सोचा इसका एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। आप भी घर पे ऐसे केक ट्राई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केक बैटर बनाएंगे। तो केक बैटर बनाने के लिए पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। एक बोल में छन्नी रख के उसमें देंगे आधा कप मैदा। अब यहाँ क्या करना है, इसमें से एक टेबलस्पून मैदा हटा लेंगे और इसकी जगह देंगे एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। फिर इसमें देंगे एक टेबलस्पून कोको पाउडर, ये डच प्रोसेस कोको पाउडर है, मतलब डार्क कोको पाउडर। और फिर एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, एक पिंच नमक देंगे। बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉर्नफ्लावर मिलाया। और अब इसे छान लेंगे। छानने के बाद अब इसे अच्छे से स्पैचुला से मिलाना है। और मिलाने के बाद ये साइड पे रखेंगे और दूसरे बोल में लेंगे दो एग वाइट। और इसे पहले लो स्पीड में एक इलेक्ट्रिक बीटर लेके लो स्पीड में एक मिनट के लिए बीट करेंगे। फिर एक मिनट बाद इसमें देंगे आधा कप चीनी। ये पाउडर शुगर है, देख सकते हैं आप, मैंने चीनी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया। और ये चीनी धीरे धीरे मिलाते जाना है और हाई स्पीड में ये तब तक बीट करेंगे जब तक अच्छा सा फोम ना बन जाए। तो ये देखिए अब अच्छा सा फोम बन गया है। और अब देंगे दो एग योक और एक टीस्पून वैनिला एसेंस। आपके पास अगर चॉकलेट एसेंस भी है, मतलब चॉकलेट इमल्शन भी है, आप दे सकते हैं। और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। लो स्पीड में इसे एक मिनट के लिए फिर से बीट करेंगे। और बीट करने के बाद अब देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाना है, एक साथ नहीं मिलाइएगा, बस दो से तीन बैचेस में मिलाएंगे। और हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से ये मिलाते जाइएगा। तो ये केक बैटर रेडी है और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होगा। और अब ये मोल्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ मैंने 6 इंच साइज राउंड शेप केक मोल्ड यूज़ किया। और मोल्ड पहले से ही मैंने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा था। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा डस्ट कर सकते हैं। और केक बैटर डालने से पहले मेक श्योर कि इसमें कोई लंप ना रहे। और बैटर डालने के बाद एक स्क्रीवर लेके केक बैटर में कुछ ऐसा करना है ताकि अंदर के जितने सारे एयर बबल्स है वो निकल जाएगा। आप टैप भी कर सकते हैं। ये मैंने माइक्रोवेवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 25 मिनट के लिए बेक किया था। आप चाहे कढ़ाई पे भी बेक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी मेरे पहले बहुत सारे वीडियोस है उसमें है। तब तक बनाते हैं डार्क चॉकलेट गनाश। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया। ये 2 AM के डार्क चॉकलेट है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको आसानी से ऑनलाइन या फिर बेकिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगा। और इसमें देंगे 50 ग्राम फ्रेश क्रीम, ये अमूल फ्रेश क्रीम है। इसे आप डबल बॉयलर प्रोसेस में हो या फिर माइक्रोवेव करके इसे मेल्ट करना है। और मेल्ट करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह बन जाएगा। और ये अच्छे से ठंडा करने के बाद ये आप फ्रिज में रखेंगे। अब चलिए क्रीम रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप और 1/4 कप व्हिप क्रीम अच्छे से बीट करके रखा। ये देखिए स्टिप पिक आ गया है। और अब इसमें से क्या करना है, थोड़ा सा व्हिप क्रीम अलग करके इसमें मिलाएंगे डार्क चॉकलेट गनाश। तो डार्क चॉकलेट गनाश मिलाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये गनाश बिल्कुल ठंडा होनी चाहिए। थोड़ा सा भी गर्म रहे ना तो ये क्रीम मेल्ट हो सकते हैं। और गनाश मैंने 5 से 6 टेबलस्पून यूज़ किया। और गनाश डालने के बाद अब ये लो स्पीड में एक मिनट के लिए बीट कर लेंगे। तो ये देखिए क्रीम रेडी है। और ये देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है। 25 मिनट ही लगा है केक को बेक होने में। और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसे डिमोल्ड कीजिएगा, नहीं तो ये केक अच्छे से डिमोल्ड नहीं होगा, टूटने का चांसेस रह जाएगा। और डिमोल्ड करने के बाद अब ये देखिए कितना स्पॉन्जी बने हैं। अब इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये वीडियो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। अब केक फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो केक की पहले लेयर लेंगे और ये अब मॉइस्ट करना है। तो मॉइस्ट करने के लिए मैं यहाँ मिल्क यूज़ किया, यानी दूध। तो दूध में थोड़ा सा ना चॉकलेट गनाश मैंने मिला लिया। इसे क्या होता है, टेस्ट ना थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। आप चाहे तो शुगर सिरप से भी इसे मॉइस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत स्पंजी केक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करना है। और अब देखिए थोड़ा बहुत ही मॉइस्ट करने के बाद अब क्रीम का एक लेयर बनाएंगे। तो देख सकते हैं कि पैलेट नाइफ से धीरे धीरे चारों तरफ क्रीम फैलाना है। क्रीम का एक इवन लेयर बनाइएगा।
आप चाहे तो ये क्रीम पाइपिंग बैग से भी दे सकते हैं, वो थोड़ा सा आसान होगा। क्रीम के लेयर बनाने के बाद अब देंगे चॉकलेट चिप्स। आपके पास अगर चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट बार ग्रेट करके भी दे सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट गनाज भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे खाना चाहते हैं, आप कैसे बनाना चाहते हैं। इसके बाद केक की दूसरी लेयर देंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर इसके बाद फाइनल लेयर देंगे। फाइनल लेयर के लिए मैं केक के बॉटम वाला हिस्सा मैंने उल्टा करके रखा ताकि एक इवन सरफेस मिले। और इसके बाद केक की साइड कवर करेंगे, इतने सारे गैप्स है वो कवर करना है, और एक क्रम कोट करके रखेंगे। और ये क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में आधे घंटे के लिए इसे सेट करना है। और ये आधे घंटे बाद अब केक के चारों तरफ क्रीम से कवर करना है। तो बाकी के जो सारे क्रीम मैंने बचा के रखा था उसी क्रीम से केक की चारों तरफ कवर करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ग्रीन कलर मिलाया, आप चाहे तो बिना कलर यूज़ कर बना सकते हैं। तो देखिए केक की फाइनल लुक कुछ इस तरह है। मैं बहुत जल्दी जल्दी में केक बनाया था तो हर एक स्टेप शूट नहीं कर पाई। एनीवेज आप भी घर पे ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बस कुछ प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। केक घर का बनाया हुआ होगा तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि केक में क्या क्या मिलाया आपने। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ अदर्स केमिकल्स नहीं है। बड़े आसानी से आप किसी भी ओकेशन पे आप बना सकते हैं, आपको बहुत खुशी होगी और टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबको पसंद भी आएगा। तो घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छे लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा, और आने वाले ऐसे बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।